सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का इंटरनेशनल प्राइम टाइम, जिस रिपोर्ट के अंदर हम दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आपके सामने रख देते हैं। जिस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको किसी और चैनल को देखने की, खासकर गोदी मीडिया के किसी भी चैनल के सामने बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस रिपोर्ट को पूरा देखिए, रिपोर्ट के बारे में राय दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर यह है कि यूएई को सबसे तगड़ा झटका लग गया है। जी हाँ, यूएई बड़ा साफ सुथरा देश और नीट एंड क्लीन देश माना जाता है हर तरह से, लेकिन उसको अब ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया है FATF ने। जी हाँ दोस्तों, ग्रे लिस्ट में यूएई को पहली बार, दुबई को पहली बार ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। इससे पहले पाकिस्तान को 2018 से डाला हुआ है। वहीं अगर बात करें ईरान और नॉर्थ कोरिया की, तो वो तो ब्लैक लिस्ट हैं। आपको बता दूं कि यूएई को ये काफ़ी बड़ा झटका है, क्योंकि अब इंटरनेशनल लेवल पर वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेगा, कहीं से मदद नहीं ले सकेगा, और तो और इंटरनेशनल बैंक उनको मदद नहीं देंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि उसके बिजनेस पे भी काफ़ी फर्क पड़ने वाला है। इसके अलावा आपको बता दूं कि आरोप यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। जी हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग के कई सारे केसेस इंटरनेशनल लेवल पे देखने के बाद यूएई को सीधा ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। यूएई के लिए सबसे बुरी खबर है ये। इस पर अभी तक यूएई का सिर्फ इतना बयान है कि ये हमारे साथ नहीं करना चाहिए था, इससे निकलने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और साथ में ही अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंध को ठीक करेंगे, व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दूं, सऊदी अरब ने मुसलमानों को, हज जायरीन को राहत देते हुए अब क्वारंटीन का सिस्टम ख़त्म कर दिया है। जी हाँ, कोरोना के चलते हुए पहले ये सिस्टम था कि आपको वहाँ पर 7 से 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना होता था, लेकिन अब वैक्सीनेटेड लोग जो भी जहाँ से भी वहाँ ज्यारत या हज करने के लिए पहुँचेंगे, उनके लिए किसी भी तरह से क्वारंटीन का कोई सिस्टम नहीं, अब सीधा वो हज के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने बहुत पहले ही बता दिया था कि तुर्की और इसराइल के रिश्ते ठीक हो सकते हैं, और रजब तैयब अर्दोगान ने इसराइल के लिए अपने बाहें फैला दी थी और कहा था अर्दोगान ने कि हम हर तरह से इसराइल के साथ रिश्ते ठीक करना चाहते हैं, अब वो घड़ी आ गई है। आपको बता दूं, 9 और 10 मार्च को तुर्की पहुंचने वाले हैं इसराइल के प्रेसिडेंट। जी हाँ दोस्तों, ये मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा झटका है। जिन रजब तैयब अर्दोगान को सबसे ज़्यादा सुपर हीरो मानते हैं और जिनसे बहुत लगाव मुसलमान रखते हैं, उनके लिए ये बड़ा झटका है। हालांकि उनका अब ये कमेंट में कहना होगा कि ये उनकी पॉलिसी है, ये उनकी चाल है, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ डर्टी पॉलिटिक्स है। बहरहाल ये खबर कन्फर्म हो चुकी है और बहुत जल्द दोनों देशों के बीच हालात ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, दूसरी तरफ भारत के लिए एक बड़ा झटका चीन की तरफ से यह भी है कि भारत के खिलाफ खुद को मजबूत करते हुए चीन ने एक बार फिर से वियतनाम के करीब युद्ध अभ्यास शुरू किया है। जहां पर सारी दुनिया की नजर रूस और यूक्रेन की जंग पर है, वहीं पर छुपके से शुरू कर दिया है उसने अपना युद्ध अभ्यास। विशेषज्ञों का कहना यह है कि चीन के लिए सबसे बड़ा दुश्मन भारत है और भारत को किसी भी तरह से वो झुकाने की कोशिश जरूर करेगा और भारत को तोड़ने की कोशिश जरूर करेगा। इसीलिए वो सारी दुनिया को एक तरफ छोड़ता हुआ अपने बजट को, रक्षा बजट को बढ़ा चुका है चीन और लगातार युद्ध अभ्यास कर रहा है। आपको बता दूं कि बीजिंग के अखबारों के द्वारा ये बात क्लियर हुई है कि चीन ने चेतावनी दी है कि इस एरिया से सारे जहाज दूर रहें। जी हाँ, कुछ बड़ा और कुछ खतरनाक करने की कोशिश में एक बार फिर चीन। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप को अनदेखा करके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रूस के साथ डील कर ली है और वो डील सामने आ गई है, गेहूं और अनाज। जी हाँ, बताया गया है कि 20 लाख टन गेहूं अब रूस से पाकिस्तान लेगा। आपको बता दूं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते काफी खराब हैं, जिसको देखते हुए पाकिस्तान ने अब दूसरे देशों के साथ हाथ मिलाना शुरू कर दिया है, जिसमें सबसे ऊपर अब रशिया है। दोस्तों, वेनेजुएला जो कंट्री है उस पर जबरदस्त तरीके से पाबंदी अमेरिका ने लगाई हुई है और वेनेजुएला इस वक्त पूरी तरह से, इस वक्त क्या, हमेशा से वो रशिया का सपोर्ट करता है। वेनेजुएला अमेरिका के निचले इलाके में आता है, नीचे के इलाके में आता है। अगर आप मैप पे देखेंगे तो आपको बता दूं कि
उसी वेनेजुएला को अब पहली बार समझाने के लिए वहां पर अमेरिका के ऑफिशियल्स पहुंचने वाले हैं, ताकि उसको समझा बुझाकर रूस के खिलाफ किया जा सके। इसके अलावा आपको बता दूं कि वेनेजुएला के अलावा क्यूबा इस वक्त पूरी तरह से रूस के साथ है। अमेरिका को डर है कि वेनेजुएला भी खुलकर हथियार के साथ रूस के साथ में मिल जाए। दोस्तों, ईरान के लिए एक बड़ी राहत की बात आपको बता दूं कि न्यूक्लियर डील जो हो रही है वो लगभग पूरी हो चुकी है, और IAEA ने ये ऑफिशियली जानकारी दी है कि ईरान और IAEA की जो डील है वो एक कदम और एक स्टेप और आगे बढ़ गई, और बहुत जल्द डील हो जाएगी, जो कि सबसे बड़ा तमाचा इजराइल के लिए होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ईरान के हैकर्स काफी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। अब तक उनके निशाने पर बड़े बड़े देश आ चुके हैं, लेकिन अब हमारा भारत भी ईरान के हैकर्स के निशाने पर आ चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दूं कि भारत के कई शहर जैसे नई दिल्ली, बिहार, आसाम, बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, इन सभी जगहों पर ईरान के हैकर्स के द्वारा साइबर अटैक हुए हैं। आपको बता दूं कि डिफेंस में, पुलिस में, बैंकिंग में, कई सारे डिपार्टमेंट पर साइबर अटैक ईरानी हैकर्स के द्वारा भारत में हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि सऊदी अरब के घातक फाइटर जेट, 6 घातक फाइटर जेट इस वक्त अमेरिका पहुंच चुके हैं। जी हां, घबराइए नहीं, मिलिट्री ड्रिल के लिए। जी हां, अमेरिका पहुंच चुके हैं सऊदी अरब के जहाज, जो कि ये जो मिलिट्री ड्रिल होने वाला है सऊदी अरब और अमेरिका साथ मिलकर जो करने वाले हैं, ये लगभग 25 दिन ड्रिल चलने वाली है। सऊदी अरब और अमेरिका एक बार फिर से करीब हो रहे हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर यह है कि इसराइल ने इस बात को माना है और दावा किया है कि सीरिया के अंदर इसराइल की मिलिट्री और इसराइल की आर्मी के खिलाफ ईरान ने सबसे खतरनाक और एडवांस डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है। जी हां, ये इसराइल के ही अखबार जेरूसलम पोस्ट में दावा किया गया है। खबर आई है, रिपोर्ट है, जिसमें ये क्लियर मौजूद है कि ईरान, देखिए इससे अब क्लियर हो गया है कि जो ईरान है वो काफ़ी ज़्यादा इसराइल को नज़र में रखते हुए अपने हथियारों और डिफेंस सिस्टम को बढ़ा रहा है, और उसका अब इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से अब इसराइल की नींद हराम हो गई है। दोस्तों, जहां सारी दुनिया जानती है कि यूक्रेन और रशिया के पीछे सिर्फ और सिर्फ अमरीका है इनकी जंग के पीछे, लेकिन बोल कोई नहीं रहा है, लेकिन ईरान ने बड़ा बयान दिया है। तेहरान टाइम्स में बयान साफ आ चुका है कि ईरान की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका का ये ग्रुप, अमेरिका के आतंकी, अमेरिका की गंदी मंशा ही यूक्रेन और रूस के जंग की वजह है। दोस्तों, आखिर में आपको सबसे बड़ी खबर एक और देना चाहता हूं, जो कि ईरान की तरफ से है। कुछ दिन पहले मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइल से कहा था कि अगर वो फिलिस्तीन का मुद्दा हल कर लें तो सऊदी अरब और इसराइल काफ़ी बेहतर दोस्त हो सकते हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने ये बात कही थी, लेकिन इसके जवाब में ईरान के टॉप कमांडर ने इराक में ये बयान दिया है कि हम मोहम्मद बिन सलमान यानी सऊदी अरब को याद दिलाना चाहते हैं, कुरान में ये साफ साफ बात लिखी है कि मुसलमानों के और अरबियों के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कॉमेंट में जरूर लिखिए। रिपोर्ट को हर जगह शेयर कीजिए। कम वक्त में सबसे बड़ी बड़ी खबरें और सबसे मजे की बात आसान जबान में आपको इसी तरह हम समझाते और दिखाते रहेंगे। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।